नमस्कार दोस्तों, एक नई सोच में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि अहलावत है और इस सीरीज में मैं आपके सामने लेके आता हूँ कुछ कहानियाँ जो जुड़ी हैं मुझसे और उन हजारों स्टूडेंट्स की जिंदगी से जिनको मैं ट्रेन करता हूँ। इन कहानियों ने बदलाव लाया मेरी जिंदगी में और उन सभी स्टूडेंट की जिंदगी में जो किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे थे। आशा करता हूँ कि आज की कहानी भी आपको पसंद आएगी। छोड़ जमाने की बंदिश अब आज सबसे किनारा करते हैं, बेखौफ सजा के खाब पड़े, आ एक कोशिश दोबारा करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में जब हम कुछ कोशिशों के बाद फेल हो जाते हैं तो हम किसी भी चीज को ट्राई करना ही बंद कर देते हैं और हमेशा के लिए मान लेते हैं कि हम इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मेरी आज की कहानी बिल्कुल हमारी जिंदगी पे के इस पहलू पे स्टिक बैठती है। ये कहानी है एक मछली शार्क लिली की, जो एक बड़े से एक्वेरियम में रहती थी। इसका साइज काफी बड़ा था और ये छोटी मछलियों को बहुत जल्दी खा जाती थी। एक बार इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि उस बड़े से एक्वेरियम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक तरफ थी लिली और एक तरफ थी कुछ छोटी मछलियां। जैसे ही कुछ नई मछलियां डाली गई, लिली ने उनके ऊपर पूरी जोर से अटैक किया, बट क्योंकि बीच में ग्लास था, लिली ग्लास से टकराई और उसको चोट लगी। उसने दोबारा घूम के और भी ज्यादा जोर से उनके ऊपर अटैक किया, फिर रिजल्ट वही रहा, वो ग्लास से टकराई और इस तरफ ही रह गई। धीरे धीरे लिली की शक्ति कम होने लगी और लगभग 2-4 दिन के बाद और 10 दिन के बाद तो उसने पूरी तरीके से ये मान लिया कि वो उन मछलियों को नहीं पकड़ पाएगी। वो शांत हो गई। 10 दिन के बाद जब वो ग्लास हटाया गया तो लिली एक्वेरियम में उस तरफ गई जहां पे छोटी मछलियां थी, बट लिली ने उन मछलियों को पकड़ने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि लिली ने ये मान लिया था कि अगर मैं ट्राई करूंगी तो ये मैं फिर से एक चोट खाऊंगी और मैं इन मछलियों को नहीं पकड़ पाऊंगी। और अब लिली का ये माइंडसेट पूरी जिंदगी के लिए ऐसा ही बन गया और उसने उन मछलियों को कभी नहीं पकड़ा। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इस तरीके की ही होती है। किसी भी वजह से जब हम फेल हो जाते हैं, चाहे वो हमारी नॉलेज की वजह से या एज की वजह से, कमजोरी, किसी भी कमजोरी की वजह से जब हम फेल हो जाते हैं, कुछ कोशिशों के बाद हम गिव अप कर देते हैं और मान लेते हैं कि हम अब ये नहीं कर पाएंगे। लिली के केस में जो था वो एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो उसका एक मेंटल बैरियर था। और हमारे हर किसी की जिंदगी में भी वो मेंटल बैरियर बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। जब हम छोटे थे या 1 साल पहले या 2 साल पहले या कभी भी जब हम कुछ नहीं कर पाए और अगर आज भी हम ये मान के बैठे हैं कि अब मैं इसको पूरी जिंदगी ट्राई नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता, तो ये और कुछ नहीं, ये हमारा एक मेंटल बैरियर है। जब तक ये हटेगा नहीं तब तक काम बनेगा नहीं और हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एक्चुअल प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये हमारा दिमाग है जो बताता है कि प्रॉब्लम है। मैं लड़के अगर हार जाऊं मुझे मंजूर है, बट बिना लड़े ही मैं हार जाऊं मुझे मंजूर नहीं। दोस्तों, मैं रवि अहलावत आपको बस इतना बोलता हूं कि कल बेहतर कल के लिए चलिए आज कुछ बेहतर सीखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो हम किस विषय के ऊपर ला सकते हैं जिसके साथ आप जूझ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए उन तमाम दोस्तों के साथ जिनकी जिंदगी में ये थोड़ा बहुत भी बदलाव ला सकता है। थैंक यू।